हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आपको इस समर में लग रहा है कि एक मैंगो की सर्विंग खा के सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, क्रेविंग अभी भी है? सो तीन बेसिक टिप जिससे आप अपने मैंगो को खाने के बाद कंप्लीट और सेटिस्फाइड फुल करेंगे और आपको लगेगा नहीं ये थोड़ा सा और। फर्स्ट, आप मैंगो के स्लाइसेस जो क्यूब्स कट करें उसके पोर्शन या साइज को थोड़ा छोटा रखिए। फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक छोटी स्लाइस है पर सिर्फ दो पोर्शन में है और यही सेम स्लाइस को हमने 10-12 पोर्शन में काटा है, तो नंबर ऑफ बाइट्स बढ़ जाने से, वॉल्यूम बढ़ जाने से ब्रेन टू गट का कनेक्शन क्रिएट होता है और आप सेटिस्फाइड फील करते हैं। सेकेंड, आप अपने मैंगो को अच्छे से च्यू करिए और गल्प मत करिए और हर बाइट के बाद एटलीस्ट 2-3 फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का मूवमेंट दीजिए टेस्टिंग के लिए, दैट इज एब्जॉर्ब करने दीजिए उस टेस्ट को अपने माइंड को, बेसिकली फ्रॉम योर टंग टू योर ब्रेन। लास्ट, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप बोल में से अपना पोर्शन मत लीजिए और कोशिश करिए कि आप अपने मैंगो को, अगर वो एक मीडियम साइज है, सो कट करके उसको सेपरेटली खाइए इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्रॉम द बिग बोल, जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना मैंगो खाया है। सो मेकिंग योर पोर्शन इन योर ओन प्लेट विल टेल यू दैट यू ईटन वन होल मैंगो एंड यू विल नो दैट यू ईटन द डे सर्विंग। सो एंजॉय योर समर, मैंगो को साइज को भी एंजॉय करिए और समर को भी। बाय बाय।